हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं यूकेन का A70 सीरीज़ का पंप, जिसमें हम आपको दिखाएंगे पंप का डिसमेंटल और असेंबलिंग। आइए देखते हैं। ये पंप है, ये है इसकी वाल प्लेट जो कि कट चुकी है। ये सिलेंडर्स हैं लोडिंग अनलोडिंग का। ये रोटरी ब्लॉक है, देखिए स्क्रैचेस है इसमें। अब रोटरी ब्लॉक निकालते हैं। ये इसके पिस्टन्स हैं जो कि लूज़ हो गए हैं, इनका कैप सामने से रस्टी भी हो गया है, काफ़ी स्क्रैचेस लगे हैं। रिटेनर प्लेट स्पॉट्स आए हैं, ठीक है। ये है स्विच प्लेट, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ भी निशान है। ये इसका सेकंड पंप, ये इसका सैडल बैरिंग है। रेक्सरोथ पंप में सैडल बैरिंग डिफरेंट काइंड का होता है, डिफरेंट तरीके का होता है। कहने का मतलब ये है कि हर पंप का स्पेयर्स का फिटमेंट अलग अलग तरीके का है, वर्किंग प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। इसमें देखिए सील डैमेज दिख रही है। तो दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं पंप की असेंबलिंग। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सील कप से। ये इसका सील कप, इसमें सील डाला है नया। यह है सैडल प्लेट, इसको प्लेस करेंगे। अंदर दो डावल दिख रही हैं आपको, वो इसमें फिक्स हो जाएंगी, इसमें और इसमें, ठीक है।
सैडल प्लेट फिक्स हो गया है। अभी नेक्स्ट इसमें हम स्वेच प्लेट डालेंगे। ये है इसका स्वेच प्लेट। चलिए स्वेच प्लेट डालने के बाद इसको मूव करके ज़रूर देखें, कहीं से कहीं फंस तो नहीं रहा है। ऑयलिंग भी कर लें। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें हम इसकी रोटरी किट डालेंगे। ये इसकी रोटरी किट, पिस्टन है, रिटेनर प्लेट है, रोटरी ब्लॉक है, ये देख लीजिए, बीच में बॉल गाइड है। ठीक है, चलिए डालते हैं इसको। किट प्लेस हो गया है, एक बार इसको घुमा के देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका ऑयलिंग भी करना चाहिए। अब इसका हमें वॉल प्लेट लगाना है। ये है इसका वॉल प्लेट, ये है इसका कवर। ये इसका सिलेंडर है लोडिंग अनलोडिंग का। ओके, यहाँ प्लेस हो जाएगा। अभी हम कवर लगाने जा रहे हैं। कवर लग चुका है, वीडियो में बने रहने